लालची लोरी वाला। सेठ बनवारी लाल का धान का व्यापार था। बनवारी लाल का गोदाम शहर से दूर बिलापुर में था। गोदाम में हमेशा धान की बोरियां भरी रहती थी। इन बोरियों को शहर में अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए बनवारी लाल ने कुछ लोरी वाले को बांध रखा था। इनमें सबसे नया था छागन। छागन बहुत ही शातिर था। वह हमेशा गोदाम पर बैठ के सेठ के पैसों का हिसाब करते रहता था। भुवन, इस गोदाम में कम से कम 10,000 बोरी अनाज होगा। होगा तो क्या? तो सोच, ये बोरी 1,000 की तो 10,000 बोरी 1 करोड़ रुपए का माल है। अच्छा है ना? क्या अच्छा है? और हमें ये सेठ महीने के सिर्फ 20,000 देता है। अगर हमें लोरी नहीं चलाएंगे तो इसको मुनाफा कैसे होगा? जो भी हो भाई, मुझे लोरी चलाने के पैसे मिल रहे हैं और इससे मेरा घर चल रहा है। छागन के दिमाग में लालच बैठ गया था। एक दिन जब छागन लोरी लेकर निकला तो वह सोच रहा था कि कैसे वह कुछ अधिक पैसे कमा पाए। वह सेठ तो मेरी पगार बढ़ाने से रहा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। अगर मैं कुछ बोरियां बाहर बेच दूं तो? नहीं नहीं, बोरियां कम होगी तो सेठ को मुझ पर शक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ बोरियों में से मैं 1-2 किलो अनाज निकाल लूं तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। अरे वाह! छागन ने गाड़ी किनारे लगाई, फिर उसने ड्राइवर के केबिन से 2 खाली बोरियां और 1 माप निकाला। छागन लोरी में चढ़ गया और उसने बोरियों में से माप भरकर अनाज निकाला और खाली बोरियां भरने लगा। जल्दी ही छागन की 2 खाली बोरियां भर गई। अब इसे केबिन में रख देता हूं जिससे किसी की नजर ना जाए। छागन ने वो 2 बोरियां ड्राइवर केविन के बगल वाली सीट के पास रख दी और लोरी लेकर शहर के व्यापारी के पास चला गया। व्यापारी ने हमेशा की तरह बोरियां अनलोड की और रिसिप्ट वाली पर्ची पर साइन कर दिया। अब छागन यहां से निकला, उसे वह 2 बोरियां बेचनी थी। वह एक किराने की दुकान के पास रुक गया। भाई, अनाज खरीदोगे? रोज 2 बोरियां दे सकता हूँ। क्या दाम लोगे? वैसे तो दाम 1,000 रुपया है, पर तुम्हारे लिए सिर्फ 800। रोज 2 बोरी दे सकते हो? हाँ हाँ, बड़े आराम से। दुकानदार ने छागन को 1,600 रुपये दे दिए और छागन अपनी ऊपरी कमाई देखकर बहुत खुश हुआ। ये हुई न बात, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और मुफ्त के पैसे। वाह वाह छागन, तेरा जवाब नहीं। अगले कुछ दिनों तक छागन यही करता था और रोज लोरी साइड में लगाकर अनाज चोरी करता था और फिर उसे किराने की दुकान पर बेचता था। अचानक एक दिन बनवारी लाल को शहर की दुकान से फोन आया। ऐसे कैसे हो सकता है? हम तो बराबर माप कर ही बोरी भरते हैं। बनवारी को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ सेठ जी की ये शिकायत है, मतलब यहाँ से बोरियां बाहर जाने के बाद कुछ तो गड़बड़ हो रही है। शायद छागन कुछ कर रहा है। उस दिन छागन के लोरी निकलते ही बनवारी लाल ने लोरी का पीछा किया अपने कार से। बनवारी लाल ने देखा कि छागन ने लोरी साइड में लगा दी और अनाज चोरी करके 2 बोरियों में भरने लगा। तो ये माजरा है। बनवारी लाल ने अपने महंगे फोन से छागन का वीडियो बनाया। उन्होंने छागन का पीछा जारी रखा। छागन ने बोरियां सेठ जी के यहां दे दी और साइन भी ले आया। फिर छागन एक किराने की दुकान पर गया और वहां वो 2 बोरियां बेच दी। यह भी सेठ ने रिकॉर्ड कर लिया। इस दिन जब छागन शाम में अपने घर पर था तो सेठ जी पुलिस ले आए। नवा खराम, जिस थाली से खाता है उसी में छेद करता है। पुलिस ने छागन को गिरफ्तार कर लिया और उसे 7 साल की जेल हो गई। छागन को अपने लालच का फल मिल गया। दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियाँ देखना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।